अभी हम फुलबड़क में है क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और रुकी पड़ी है और देखते हैं कब तक रुकी रहती है। ये रहा 3 और कोई ट्रेन नहीं है। तो हमारी ट्रेन वहाँ से तो छूट गई है, अब हम फुर्ती से जा रहे हैं हरिद्वार उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित और आज के दिन मैं हूँ भी ऋषिकेश में। तो सुबह उठते के संगी में बाहर आया था तो हमारे बाहर का ये व्यू है, कुछ गलत लेवल व्यू है। और संडे को आज हमें जाना है वापसी की ट्रेन पकड़ने ऋषिकेश, तो इट विल बी अ यूनिक डे, टू बी रेडी फॉर दैट। तो ये सुबह सुबह हमारा टाइम होगा चेकआउट करने का। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं नीचे गंगा घाट पे नहाने। एक बार तो हम नहाए जब मैं फ़ोन चार्जिंग में रखा था, अब दोबारा जा रहे हैं नहाने। मेरा फ़ोन चार्जिंग रखा चीनू का फ़ोन चार्जिंग रहा। पारा पारी खेल रहे हैं हम, एक ही चार्जर लाए ना तो, और उसने बोर्ड भी एक ही है। पारा पारी खेल रहे हैं, अब यहाँ से वहाँ चलते हैं तो हम बढ़िया नज़ारे बने हुए। तो अब हम अपने होटल के सामने वाले लोकेशन में बैठे हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्यारी, लेट मी देखे जाए ये वाली लोकेशन, बिल्कुल हरियाली से भरपूर और ऊपर सनराइज की तरह गया ना उधर, गलत लेवल वाइफ। इतने प्यारे व्यू में बैठे मज़ा आता है चीनू, रोमांचक रहा था आर पार। हर मतलब हर दूसरा पल रोमांच था, बहुत सारी चीज़ें फेस करी, बहुत लड़े इधर उधर सब कुछ, यहाँ से वहाँ भगे डोल रहे हैं, ऐप खोद दिया अभी जस्ट अभी अभी, बंदे घबरा गए। अरे मतलब बिल्कुल एडवेंचर, मजे तो बहुत ज्यादा आए इधर के, छोटा मजे आना हाँ। मजे तो आते ही हैं बट अब की बार हर पल हर चटक में मजे आए, अब की बार हर मूड उसमें कुछ चटक हुई है हर मोमेंट पे, उसमें मजेदार सिनेरियो मतलब इजी नहीं था। हाँ इतनी सारी चटकियाँ हुई मजेदार, यहाँ से वहाँ जाना वहाँ से, कोई नहीं जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमारी सफर ट्रिप एक दिन की बनी, उन्हें पता था कि एक दिन में ही तुम्हारा सिस्टम हैंग करवा देंगे, इसीलिए एक दिन की बनी। चीनू कह रहा था बढ़ा ले, यार अब देख ही जाएगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है और अच्छे के लिए हुआ। देखो सारे परिवार अरिवार ये सब लोग यहाँ आते हैं एक एक दिन की छुट्टियाँ लेके, अपने मजे लेके घर जाते हैं। बढ़िया भाई, ये हमारी जो ये ऊपर बगल में छत है ये हमारी छत थी, हमने यहाँ खड़े होके लोंडो से बात बात करी, रूममेट से भाई बातचीत करी, रूममेट तो नहीं होटल मेट्स कह सकते हैं, वो हमारे साइड वाले रूम में थे, उन बंदों की हमने मदद करी, उन्होंने हमारी मदद करी, मज़ा आया का उसूल है, मतलब मदद करोगे मदद मिलेगी, ठसे दोगे ठसे मिलेंगे। हाँ यही बात है भाई। ये ओमकार नंदा हमारे पीछे धर्मशाला है लेकिन हम इधर होटल में रुके हुए हैं, इसमें गेस्ट हाउस व्हाट्सअप गेस्ट हाउस राजस्थान के, बहुत जेन्युइन बंदे हैं लोंडे, बढ़िया इन्होंने हर मूवमेंट में कोऑपरेट करा भाई। ये इनके 1200 के रूम हमने 600 रुपये में लगवा लिए और ये बात हो रही है हम बाद में कह रहे हैं कि भाई लगा लो 600 रुकने के बाद, चलो कोई बात नहीं, लेकिन भाई ये रोमांचक था सफ़र, ये 2 दिन का ट्रिप, अ ट्रिप टू रिमेंबर, जहाँ बहुत सारे पल होगी ना हमारे पास फुटेज है, दैट्स द मेन पार्ट, सारी वो चीज़ें हैं हमारे पास। यहाँ से हम नीचे चलते हैं, पहले यहीं पे सारा टाइम आसानी कर देंगे, थोड़ा नीचे चलेंगे। ये फ़ोटो शूट के चक्कर में कपड़े वपड़े पहन के बैठ गया अंदर सिर्फ ताकि यहाँ इस लोकेशन पे बाइक की शूट, यहाँ ये वाले पहाड़ हैं, ये सीन ग्रीनरी उधर, माउंटेनिंग इधर, और हमने माउंटेनिंग करी थी। अब यहाँ थोड़ा मजे लेते हैं, नहाते हैं गंगा स्नान, तैयार होगा गंगा स्नान के लिए। अभी यहाँ पे बढ़िया हम अंग्रेजों से मिले, बढ़िया बातचीत हुई, वो भी बढ़िया फ्रेंक हुए कैनेडा के लोग से, और हमारा घूमना फिरना हो गया। अब हम थोड़ी देर आराम करेंगे इधर, फिर हमारी 5 बजे की ट्रेन है शाम की फरीदाबाद बैक टू द जोन, तब तक यहाँ इन्जॉय करते हैं। ये लौंडे मिले हमें, बढ़िया लौंडे। चलो जी अब हम चल दिए यहाँ से ट्रेन पकड़ने, बाय बाय ऋषिकेश, और मज़ा आ गया भाई, 2 दिन ऋषिकेश में रहेंगे, वाला लेवल मज़ा आ गया है। तो अब ये शाम के 5 बजे फाइनली हमारा सब कुछ घूमना भी हो गया और ये चेकआउट का टाइम भी हो गया, ये लास्ट है, और ये लौंडा भी पैकिंग में लगा पड़ा है, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं स्टेशन के लिए। स्टेशन पे 6 बजे की ट्रेन है, अभी 1 घंटा है, 1.5 घंटा, मतलब काफ़ी ज़्यादा ही टाइम है, 1.5 घंटे से प्लस टाइम है हमारे पास वहाँ जाने के लिए, और ये वादियों को बाय करने के लिए यहाँ से ये वादियाँ। बहुत सारे लोग आते हैं तो घूमने, और हम जा रहे हैं।
ये प्लेस है, यहाँ पे हम मोमोज खाए थे हमने कल, और क्या स्वाद मोमोज थे यहाँ के। ये चढ़ाई ना बहुत मुश्किल है, इस पर पहाड़ वाली चढ़ाई है यहाँ पे ऋषिकेश में। ये है यहाँ का रोड जहाँ हमें ट्रैवलिंग के लिए ऑटो मिलेंगे। लड़ाई बाज गई इनमें बंदरों में। वादियाँ दिख नहीं रही है आगे की। आ रहा है अभी हम फुलबड़क में है, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका है और रुकी पड़ी है, और देखते हैं कब तक रुकी रहती है। जल्दी चलो, अब हम भागे जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं ट्रेन कहाँ है हमारी, और ये अंडरग्राउंड बढ़ा दिया ले। ये चल आग ये रहा तीन, और कोई ट्रेन नहीं है इधर। अभी हम दोनों भगते हुए आए हैं पूरे रास्ते में कि ट्रेन ना छूट जाए, और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो ट्रेन है ही नहीं। तो मैंने मैच करा कि स्टेशन सही है कि नहीं है, तो स्टेशन सही है, प्लेटफॉर्म भी सही है, बट यहाँ ट्रेन ही नहीं है। कहाँ गई ट्रेन? क्या टिकट दी है, कोई जादू ट्रेन आएगी क्या? फिलहाल ट्रेन का कुछ अच्छा पता नहीं है, तो हम जा रहे हैं पूछने भाई ट्रेन कहाँ है। ये ऐसा तो मैंने पहली बार देखा कि पूरा स्टेशन ही खाली है। जो उसमें नहीं आता था हैरी पॉटर में जादू ट्रेन, वो मिल जाए तो मिल जाए इधर, वरना नीचे जाना पड़ेगा। गांव में भी ऐसे अंदर रहता था शाम को 6 बजे के आसपास भी, पर ये कुछ अनोखा स्टेशन है ऋषिकेश। हमारी ट्रेन वहाँ से तो छूट गई है, अब हम फुर्ती से जा रहे हैं हरिद्वार उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए। और हमारे साथ जो भाई है वो फुल सही इतनी स्पीड ले जा रहे हैं कि हमारी बेस्ट कोशिश है कि हम पहुँच जाएँ, और अब जो होना है वो तो होना ही है। लेट्स सी। हमारी ट्रेन अब हरिद्वार से मिलेगी हमें 11 बजे के आसपास, तो 11 बजे के आसपास है, तो जब तक हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे बस अड्डा घूम लें या तो कोई वो हो या तो कोई बढ़िया से कैब मिल जाए, नहीं तो हमारी ट्रेन तो है ही। यहाँ पे घूमो, यहाँ पे ना ये बस अड्डा ही है, और यहाँ पे फील घुसते ही आ गई कि भाई ये रेलवे स्टेशन है, बस अड्डा है। तो हमने इस अंकल पे भी खाना खाया, ये बहुत तगड़ा खाना, और 70 रुपये में फुल प्लेट, जितनी तुम खा सकते हो कैपेसिटी तुम्हारी खाना इनका, ये यहाँ का रूल है। तो हम यहाँ से जा रहे हैं दोबारा बस अड्डे पे, बस लेने या फिर कैब लेने या ट्रेन लेने, बाद पता लगेगी। बस का स्टॉपेज ये अड्डा पानी, ये आता बसों में वरद लेवल अड्डा होता है। ये आई एम चीनू के घर लगा भाई, चलेंगे अपने घर।